बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राजस्थान सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। सुशील मोदी ने आरोप लगाया कि 1 करोड़ जमा कराने के बाद ही राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने बिहारी छात्रों की ट्रेन खोलने दी। इसके साथ ही सुशील मोदी ने लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से भी सवाल पूछ लिया। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने बुधवार को कहा, राजस्थान के कोटा में फंसे बिहार के छात्रों को वापस लाने के लिए कांग्रेस और राजद ने बस भेजने और ट्रेन का किराया देने की बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन सब दिखावा साबित हुआ। गहलोत सरकार पर आरोप लगाते हुए सुशील कुमार मोदी ने कहा, कोटा से 18,000 छात्रों की वापसी के लिए जब 13 विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की गई, तब वहां की कांग्रेस सरकार ने छात्रों के किराए के 1 करोड़ रुपए बिहार सरकार से जमा कराने के बाद ही ट्रेन खुलने दी। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए सुशील कुमार मोदी ने कहा, दूसरी तरफ राहुल गांधी की चुनावी प्रतिष्ठा बचाने वाले केरल के लोगों को बिहार से वापस भेजने के लिए कांग्रेस ने 3 बसों का किराया चुकाया। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको न्यूज़ पसंद आई तो लाइक और शेयर करें।